हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2022-23 मॉडल डिजिटल रैम्बो सिस्टम वाली सॉफ्टी मशीन को आज स्पेशली देखने के लिए राजस्थान से कस्टमर आए हुए, तो हम लाइव मशीन का डेमो दे रहे हैं। दोस्तों, सॉफ्टी एंड स्नो मशीन दोनों का डेमो हम लाइव दे रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मिल्क लगा के रखा है, टॉपिंग्स लगा के रखा है, आइसक्रीम का पाउडर है, कैसे रेसिपी बनाना है, कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, मशीन ईजी है चलाने में, हार्ड है, ये टोटली डिटेल हमारे जो कस्टमर आए उनको हम लाइव डेमो देने वाले दोस्तों। तो थोड़ा हम हमारे कस्टमर से बात करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है सर? पीयूष बंसल सर। पीयूष जी, और सर कहाँ से है सर? सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? और राजस्थान में कौन सा सर है सर? सर शिखर लगता है। शिखर लगता है, खाटू श्याम, राजू श्याम। अच्छा, और सर आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला इसका? सर आपका यूट्यूब से ही मिला था। यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वीडियो तो देख के आज स्पेशली आप विजिट के लिए आए। अच्छा, तो कौन सी मशीन के लिए सर आए आप? सर इसी के लिए आए थे, टॉपिंग मशीन 2022-23 वाला डिजिटल मॉडल के लिए। तो अभी हम सर को मशीन का लाइव डेमो दिखाएंगे, मटेरियल कैसे बनता है, कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे चलाना है, कितने देर में आइसक्रीम तैयार होता है, आइसक्रीम तैयार होने के बाद अंदर से जो क्वालिटी निकलता है उसका टेस्ट कैसा है, सॉफ्टनेस कैसा है, उसमें कोई क्रिस्टल गिरता है कि नहीं गिरता है, तो ये टोटली लाइव डेमो हम लाइव रिव्यू हमारे भी कस्टमर आए उनसे हम देंगे, तो आपको भी इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि मशीन कैसी होती है, कैसे चलती है, मशीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हम लाइव वीडियो सर को देते हैं। बताइए, सबसे पहले हमने यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, 4 लीटर मिल्क रखा है टोटल, और आइसक्रीम का पाउडर यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम दोनों आधा आधा पैकेट बनाएंगे इसको। इसका ये आइसक्रीम का पाउडर रहता है, वेनिला का पाउडर है हमारा, और यहाँ पे एक ब्लूबेरी का पाउडर रखा है। इसका रेसिपी रहता है 4 लीटर मिल्क डालो और 500 ग्राम पाउडर डालो, लेकिन फिलहाल हम आधा आधा पैकेट बनाएंगे, जैसे कि 2 लीटर मिल्क डालेंगे, 500 ग्राम पाउडर डालेंगे, एक वेनिला बनाएंगे, एक ब्लूबेरी बनाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वेट कर लेंगे। वेट के हिसाब से हम यहाँ पे सबसे पहले इसको रख देंगे, यहाँ पे अराउंडली इसको भी हम 0-0 कर देंगे, और सबसे पहले यहाँ से हम पाउडर ले लेंगे इसमें से 500 ग्राम वेट करके, क्योंकि पैकेट पूरा अपना 1 किलो का है। अराउंडली अगर आप पूरा पैकेट बनाते हो, 4 लीटर मिल्क 1 किलो पाउडर डालते हो, तो अराउंडली आपको 120 या 115 से 120 कौन सर्विंग होता है इसके अंदर से निकलता है। 500 ग्राम्स डाल दिए हमने इसमें वेनिला को। ब्लूबेरी का फ्लेवर है, इसको भी हम 500 ग्राम डाल देंगे इसमें। अभी ये दोनों में मिल्क डाल देंगे, 4-4 बैग डाल देंगे, 500 ग्राम का एक मिल्क है अपना। चार लीटर डाल दिया हमने इसमें। ये तैयार हो गया अपना मटेरियल। अभी इसको ब्लेंडर मशीन से मेल्ट करेंगे। ये ब्लेंडर फ्लेवर ब्लेंडर है, मिक्सर मशीन है, इससे ब्लेंड करेंगे अपने। ये मशीन के साथ फ्री में दे रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री में, आपको अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है ब्लेंडर। रेसिपी बना के आपको रेडीमेड नहीं रखना है। एक बार आपने 4-4 लीटर डाल दिया, फिर जब ख़त्म होने आता है तब इंस्टेंट 5 मिनट में रेसिपी बना के वापस लगा देने हैं आपको, फ्रेश टू फ्रेश। ऐसा नहीं कि 10-20 लीटर बना के रखो, स्टोर करके रखो। लाइव टू लाइव ऐसा लगता है मशीन में कि गिराकी ज़्यादा है, 1 लीटर ही पड़ा है माल, तो दूसरा 4-4 लीटर का नया सेट बना सकते हो इसमें। वेनिला हो गया, अराउंडली अपना 250 रुपये का मिल्क है इसमें, 200 रुपये का किलो पाउडर गया है, इसलिए अराउंडली 440 रुपये का मटेरियल तैयार है अपना, रॉ मटेरियल दोनों मिला के, क्योंकि आधा आधा बनाया है ना हमने, इसलिए अराउंडली 440 रुपये का माल अपना तैयार है, 450 रुपये का। इसके अंदर से आपको 115 से 120 कोन निकलता है, 110 पकड़ के आप चलो तो एक कोन आपको अराउंडली 4 रुपये के करीब मटेरियल गिरता है, 1 रुपये 20 पैसे का कोन गिरता है, 5 रुपये 20 पैसा और 80 पैसा अदर खर्चा, इसलिए 6 रुपये का एक कोन बनाने का खर्चा आपको पड़ता है इसके अंदर।
फिर टैंक में सप्लाई कर देंगे इसको अपने, टैंक में इसमें वेनिला डाल देंगे। ये भी प्री कूलिंग है, ये भी ठंडा होता है, इसमें 6 लीटर भर सकते हैं आप मैक्सिमम। ये भी चील्ड हो रहा है पूरा टैंक। नीचे रखो थोड़ा उंगली, यहाँ पे रखो, देखो ये मटेरियल को गर्मियों के मौसम में फटने नहीं देगा मटेरियल आपका, ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर रखता रहेगा, क्योंकि उसका भी एक छोटा कंप्रेसर अलग रहता है। वॉश का बटन दबा के इसको थोड़ा लाइन में ले लेना है अपने, ये पांच लाइन में आ चुका है लिक्विड इसका। अभी ये फ्रीज का बटन है, प्रोसेस करने के लिए हम फ्रीज का बटन स्टार्ट करेंगे, और अपना टाइमिंग अराउंडली 12:32 है अभी टाइमिंग। ये फ्रीज का बटन हम दबा रहे हैं, इसका मशीन चालू हो चुका है, 10 से 15 सेकेंड के अंदर उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा अभी आपके सामने। और यहाँ पे टोटली मशीन की अभी क्या काम चालू है, ये कंप्रेसर हो गया स्टार्ट, 33 का टेम्परेचर सिलेंडर का जहाँ पे आइसक्रीम जमता है, ये भी डिस्प्ले में शो करेगा आपको। 15 का टेम्परेचर इस टैंक का है जहाँ पे अभी हमने मटेरियल को फिलअप किया, कितना परसेंट आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम अभी 50% रेडी नहीं है, ये 100% हो जाएगा जब आपका आइसक्रीम तैयार होगा, और ये कौन बन के पूरा तैयार हो जाएगा। ये ब्लिंकिंग जो भी हो रहा है अप डाउन कौन, ये अप डाउन नहीं होगा, पूरा कौन शेप तैयार हो जाएगा। 10 से 12 मिनट में मशीन पूरी साइलेंट हो जाएगी कि आपका आइसक्रीम तैयार है। फिर आप 5 कोन निकालेंगे तो 5 कोन का मिल्क वापस खींचेगा, 30 सेकंड जमा के उसको बंद हो जाएगा। 10 कस्टमर आए, 10 कस्टमर आपने आइसक्रीम दिया तो 10 का वापस मिल्क खींच लिया, वापस 40-50 सेकंड चलेगा, बंद हो जाएगा। फिर वेट करने का ज़रूरत नहीं है, एक साथ 50 कस्टमर भी आ गए तो एक साथ निकाल के दे दो, फिर 1 मिनट चलेगा, 2 मिनट चलेगा, क्योंकि अभी जो मटेरियल बन रहा है अराउंडली 80 से 100 कोन का मटेरियल बन रहा है एक साथ। ये स्टोरेज में नहीं, यहाँ पे सिलेंडर रहता है, वहाँ स्टोर रहता है उसका आइसक्रीम का, तो वहाँ से एक साथ 10 मिनट में 80 से 90 कोन बन रहा है आपका। प्लस इसको एक बार बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको पावर दिखेगा ऊपर से कितना वोल्टेज आ रहा है, मोटर कितने आरपीएम से घूम रही है, कितना आपने मशीन में से कोन निकला है और कितना निकलना बाकी है, ये टोटली इंट्रोडक्शन टोटली आपको डिस्प्ले ही शो करेगी। कल सुबह कोई फॉल्ट आएगा आपका मशीन में तो मैं यहाँ से डिस्प्ले में आपको गाइडेंस मिलेगा, जैसे कि मटेरियल कम होने वाला है आपको मालूम नहीं है, लोग बेचते कब का जो आदमी ये बेचता ही रहता है, अभी मटेरियल कम होने है, विदा मटेरियल पे कोई भी मशीन चलेगी डैमेज होगी, ख़राब हो जाएगी। मेरी मशीन लो चाहे 12 लाख की टेलर कंपनी की लो मशीन, बिना मटेरियल पे चलेगी, अंदर उसका बीटर है वो घिसेगा सिलेंडर में। यह मशीन में सिक्योरिटी सिस्टम डाला हुआ है, जब आखिरी 15 कोन नचेगा तो यहाँ पे सायरन बजेगा टैंक में, टैंक ब्लिंकिंग होगी और सायरन बजेगा, मटेरियल डालो करके। फिर भी कोई आदमी फूल गिरा कि ये कंटिन्यू चलाता ही रहेगा उसको कि भाई ध्यान नहीं है उसका, तो आखिरी 5 कोन पड़े रहेंगे मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी, और डिस्प्ले पे उसका रीज़न मिलेगा आपको, लो मिक्स मटेरियल कम है उसकी वजह से आपकी मशीन रुकी है। तो ये सबका सिक्योरिटी फंक्शन दिया है कि मशीन को डैमेज ना करे कोई चीज़ पर। अभी हम इसमें आइसक्रीम जम रहा है, उतनी देर में हम इसमें अपना रेम्बो का जो टॉपिंग्स है वो थोड़ा फिलअप करके देख लेते हैं, इसमें लाइन में ले लेते टॉपिंग्स को। ये टॉपिंग्स का टैंक है, एक बाजू का भी हम टॉपिंग स्टार्ट करेंगे इसका, बराबर है। ये टॉपिंग्स हमें इसका टॉपिंग्स लगा रहे हैं इसके टैंक में, यहाँ पे टॉपिंग्स है, हम इसमें टॉपिंग्स डाल रहे हैं। अभी हम यहाँ से लाइन में ले लेंगे इसको टॉपिंग्स को, अराउंडली 1 लीटर टॉपिंग्स। अभी लाइन में लेते हैं उसको खाली, जब आइसक्रीम निकलेगा तभी लेंगे, देखो लाइन में आ रहा है पूरा, एक बार लाइन में आ जाएगा फिर उसको बंद कर देंगे। आ गया लाइन में, अराउंडली 7 से 8 मिनट के बाद फिर हम आपके सामने लौटते और मशीन में से आइसक्रीम निकाल के टेस्ट कराएंगे कैसा क्वालिटी है, कैसा टेस्ट है। ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है, आइसक्रीम तैयार हो चुका है इसमें। अभी सर मशीन पूरी साइलेंट है? यस सर। चालू है कि बंद है? मतलब चालू है लेकिन साइलेंट है, पूरा आइसक्रीम बंद के तैयार है, साइलेंट हो चुका है। ये पावर सेवर है, अभी पूरा पावर सेवर मोड पे चल रही है। यस ना, ये पावर सेवर मोड पे मशीन चल रही है, अभी आप देख सकते हैं। अभी इसमें से हम आइसक्रीम निकाल के जो हमारे यहाँ कस्टमर उनको टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ से मिक्स फ्लेवर लेंगे, वेनिला और ब्लूबेरी का फ्लेवर मिक्स में निकालेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं।
वेनिला और ब्लूबेरी का फ्लेवर है हमारा, ये मिक्स में फ्लेवर निकला है दोनों। लीजिए सर, टेस्ट कीजिए इसको। और एक में से हम टॉपिंग्स वाला निकालेंगे, जो चॉकलेट का हमने टॉपिंग्स डाला है, टॉपिंग्स का बटन दबाएंगे हम यहाँ पे, ये टॉपिंग्स का बटन दबाया है, उसके बाद यहाँ से टॉपिंग्स वाला आइसक्रीम निकालेंगे। यार देखिए, चॉकलेट का पूरा बॉर्डर आ रहा है टॉपिंग्स में, जो हमने चॉकलेट डाला है वो पूरा बॉर्डर लग के निकल रहा है मशीन के अंदर से। लीजिए सर, टेस्ट कीजिए इसको। और एक हम कॉमन वेनिला निकालेंगे, सादा टॉपिंग्स बिना का वेनिला फ्लेवर निकालेंगे इसमें से। आप देख सकते हैं वेनिला हमने सादा निकाला है, कॉमन वेनिला है। इसके ऊपर आपको कुछ डेकोरेटिंग करना है, जैसे कि ब्लू ट्विंकल है इसका, इसके बाद ये ट्विंकल को डेकोरेटिंग करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स है, उसके बाद ये रेड ट्विंकल है हमारे पास, येलो ट्विंकल्स है। इस टाइप से आपको कोई भी डेकोरेशन डिफरेंट डिफरेंट 20 रुपये से लेके 100 रुपीज तक का कोन या कप आप बना के बाजार में सेल कर सकते हो। उसके ऊपर आप चॉकलेट का टॉपिंग्स भी अगर लगाना है इस टाइप से, तो चॉकलेट का टॉपिंग्स भी ऐसे लगा के दे सकते हो कस्टमर को। जैसा डेकोरेटिंग करना है आउटसाइड पे, आप कोई भी डेकोरेटिंग करो, प्याली बनाओ, उसका कप बनाओ, कुछ भी बना के बाजार में 20 रुपये से लेके 100 रुपीज 150 रुपीज तक का वेराइटीज बना के आसानी से बाजार में सेल कर सकते। सर कैसा लगा, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया भी। अच्छा है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है। आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट। अच्छा, कौन सा फ्लेवर है सर? ये स्ट्रॉबेरी वेनिला, सॉरी वेनिला विद चॉकलेट, और आपका ब्लूबेरी का फ्लेवर है। अच्छा, और सर मेन इम्पोर्टेंट है, मशीन के फंक्शन कैसे लगे सर आपको? सर A1 है। अच्छे, ऑटोमेटिक फंक्शन कैसे लगे आपको? कोई भी नया आदमी इसको चला सकता है आराम से? क्या ट्रेनिंग का जरूरत है किसी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, फर्स्ट टाइम कोई भी नया आदमी चला सकता है इसको। आप देख सकते हैं सर को हमने स्टार्टिंगली अराउंडली 15 to 20 मिनट्स में मशीन चला के दिखा दी, ऑपरेटिंग दिया, लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया। और अगर आपको सॉफ्टी और स्नो का भी कॉन्सेप्ट करना है तो इस टाइप के आप सॉफ्टी और स्नो का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी का स्नो यहाँ से आप ले सकते हो, और यहाँ से आप इसमें से वेनिला का आइसक्रीम निकाल के ये कॉन्सेप्ट में भी माल दे सकते हो आप बाजार में। न्यू अगर एट्रैक्शन कॉन्सेप्ट देना है तो हिसाब से आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो सॉफ्टी और स्नो का मिला के। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिजनेस करने के लिए और मशीन की ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा डिटेल्स के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में दोस्तों एक बार जरूर कांटेक्ट करें। हमारे पास इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है, ये रेम्बो वाला मॉडल है, इससे डाउन मॉडल चाहिए तो भी, ये रेम्बो बिना का चाहिए, टेबल टॉप है, सिंगल फ्लेवर है, तो सभी मॉडल अवेलेबल है। जैसा आपका बजट है ऐसा मॉडल आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके सर, थैंक यू विजिट के लिए, शुक्रिया सर आप आए कंपनी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।